तुम क्या मिले हम नारे हम तुम क्या मिले। तो फाइनली गाइस आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की न्यू अपकमिंग मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का टीजर रिलीज कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में इसी टीजर का रिव्यू दूंगा। अगर आप भी आलिया भट्ट और रणवीर सिंह को दिल से पसंद करते हो तो यार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लीड में हमें रणवीर सिंह, आलिया भट्ट और जया बच्चन देखने को मिलेंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे करण जौहर और इस फिल्म को प्रोड्यूस भी खुद करण जौहर ही कर रहे। जी हाँ दोस्तों, और करण जौहर इससे पहले कभी खुशी कभी गम कुछ कुछ होता है जो सुपर हिट फिल्म को भी डायरेक्ट कर चुके और आलिया भट्ट और रणवीर सिंह इससे पहले गली बॉय फिल्म में देखने को मिल चुके। अब बात करें टीजर की तो टीजर काफ़ी कलरफुल देखने को मिल रहा है। टीजर में बड़े बड़े सेट, बीजीएम, सॉन्ग भी काफ़ी अच्छा सुनने को मिलता है और टीजर में आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की जो लव केमिस्ट्री, लव एंगल दिख रहा है भाई साहब, वो बवाल देखने को मिल रहा है। और दोनों की जो केमिस्ट्री जो देखने को मिलते हैं जो कि शाहरुख खान और काजल की जोड़ी की याद दिला देती है। जी हाँ, स्क्रीन पे बहुत ही अच्छी जोड़ी देखने को मिल रही है और इस सॉन्ग में सभी स्टारकास्ट की परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। और ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा फिल्म होने वाली है और टीज़र में आप इमोशनल भी हो जाओगे टीज़र देखते वक्त। और टीज़र में आपको लास्ट में एक सॉन्ग सुनने को मिलता है कि तुम क्या मिले तुम क्या मिले, अरिजीत सिंह का सॉन्ग आपको लास्ट में सुनने को मिल रहा है भाई साहब, वो गुजबम करवा देता है, गुजबम फील करवा जाए देगा लास्ट में आपको वो सॉन्ग जो कि अरिजीत सिंह का इस मूवी में सॉन्ग भी होने वाले हैं। तो टीजर काफी अच्छा लग रहा है देखने बाद। तो ये फिल्म से टीजर देखने बाद ये तो पक्के उम्मीद है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस फ्लॉप तो नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस 100 करोड़ तक तो कलेक्शन करेगी, उससे आगे भी कर सकती है क्योंकि करण जौहर जिस फिल्म को डायरेक्ट करे और उसमें रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की सुपरहिट जोड़ी हो तो भाई साहब वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फिट तो नहीं सकती। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस अच्छा खासा कलेक्शन करेगी। हालांकि मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म अपने ओपनिंग डे पे 30 करोड़ का तो आंकड़ा करेगी, ये फिल्म लाइफ टाइम में करीब 150 करोड़ का तो आंकड़ा पार करेगी ही करेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करेगी? और सो आपने टीजर देखा तो आपको टीजर कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।